हेलो एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो पर आप लोग समीकरण को हल करना सीखोगे। तो देखिए, समीकरण को हल करने से पहले आपको बता दें, कुछ बेसिक्स आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए, किसी भी समीकरण में यदि बाएं पक्ष में यदि प्लस का चिन्ह होगा तो आप माइनस में बदलेंगे, यदि माइनस का चिन्ह है तो आप प्लस में बदलेंगे, यदि गुणे है तो भाग में, यदि भाग है तो गुणे में। और इसके बाद पक्ष देख लीजिए, समीकरण में दो पक्ष होते हैं, एक बायां पक्ष है एक दायां पक्ष होती है। उसी तरह से देखिए, चर राशि ए से लेकर जेड तक जितनी भी अल्फाबेट होती है सभी को चर राशि बोला जाता है। और अचर राशि देखिए, एक से लेकर जितनी भी अंक होती हैं अनंत तक, बहुत सारे अंक होते हैं, इन सब अंकों को मिला के एक अचर राशि बोला जाता है। तो लगभग आप बेसिक कितना भी समझ गए होंगे तो आप समीकरण को बहुत ही आसानी से हल कर सकते हो। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने सबसे पहले पहला प्रश्न को लिख लिया है। अब देखिए, यहाँ पर 8x-3/3x = 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने समीकरण को पहले लिख लिया, तो एक बार हम सब पूरा पहले लिख लेते हैं। तो देखिए, हो जाएगा 8x-3 और इसके बटे में हो जाएगा 3x = देखिए, 2 के बटे में कोई भी अंक न होने पर आप 1 कर सकते हैं क्योंकि मान में परिवर्तन नहीं होगा। देखिए, 2 में आप 1 का भाग करोगे तो 2 ही आएगा, तो यानी कि बटे में आप 1 कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर 2 परिमेय संख्या बन चुका है, यानी 8x-3/3x ये पूरा 1 परिमेय संख्या हो गया, और 2/1 ये परिमेय संख्या है, ठीक है। जब दो परिमेय संख्याओं के बीच में ध्यान दीजिए कि बराबर का चिन्ह हो तो हमेशा आपको तिरेक गुणा करना पड़ेगा, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप 1 का गुणा, देखिए यहाँ पर 1 का गुणा इन दोनों के साथ में कर देंगे तो हो जाएगा 8x-3 = उसी तरह से 3x का गुणा आप 2 के साथ में करेंगे तो ये हो जाएगा 3x और गुणे क्या करना है 2, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, ब्रैकेट को तोड़ना है तो ब्रैकेट कैसे टूटेगा, बस बहुत सिंपल है। 1 का गुणा आप 8x के साथ भी कर दोगे, फिर 1 का गुणा आप 3 के साथ करेंगे तो ब्रैकेट यहाँ से टूट जाएगा। ये हो जाएगा 1 × 8 और -1 में 3 का गुणा करेंगे तो 1 × 3 हो जाएगा। उसी तरह से ये तो आप गुणा कर सकते हैं, ठीक है, 3×2 ये हो जाएगा 6x, ठीक है, गुणा कर चुके हैं। अब इसके बाद देखिए, x को x की तरफ पक्षांतरण करना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पर 8x है, ये 6x हो जाएगा, तो ये चर राशि है, तो चर राशि को एक तरफ कर लेते हैं और 3x से एक अचर राशि, 3 यहाँ पर अचर राशि, तो अचर राशि को बराबर के दाहिने साइड में कर लेते हैं। तो देखिए, 8x तो पहले से लिखा है, 8x हमने लिख लिया। अब देखिए, 6x के पहले कोई भी चिन्ह न होने पर, यहाँ पर कोई भी चिन्ह नहीं लगा है, बराबर का चिन्ह माने ये तो वैल्यू बराबर करने के लिए लगा दिया जाता है, तो 6 के पहले कोई भी चिन्ह न होने पर यहाँ पर प्लस का चिन्ह मानते हैं आप इधर, यानी कि बराबर से पहले पक्षांतरण करेंगे तो माइनस में हो जाएगा और ये हो जाएगा 6x, हमने लिख लिया। अब देखिए, 3 इधर माइनस में है ना, तो आप इधर पक्षांतरण करेंगे तो जाएगा प्लस में, जो प्लस का चिन्ह शो नहीं किया जाता, ठीक है। अब देखिए, 8x में से 6x को आप घटाएंगे तो हो जाएगा 2x और बराबर बचा इधर 3 है तो 3 कर लिए पूरा, ठीक है। अब देखिए, 2 और x के बीच में कोई भी चिन्ह न होने पर, याद रखना कि 2 और x के बीच में कोई भी चिन्ह न होने पर गुणे का चिन्ह मानते हैं, अब इस 2 को आप पक्षांतरण करेंगे तो हो जाएगा भाग में, यानी कि आप बटे के चिन्ह में बदल दिए, ठीक है। तो 3/2 x का जो मान आया वो 3/2 है। उसी तरह से हम दूसरा भी हल करेंगे, ठीक है। तो दूसरा भी, तो देखिए, सेम जैसे हमने पहले को हल किया, सेम उसी तरह से दूसरे नंबर को भी हल करेंगे। तो पहला स्टेप आप लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 9x और /7-6 और x आप ऐसे भी बना सकते हो बराबर। देखिए, इसमें भी 15 के बटे में कोई भी अंक ना होने पर 1 कर सकते हैं, ठीक है। तो सेम इसमें भी आप तिरेक गुणा कर लें, तो चलिए गुणा कर लेते हैं। इसमें थोड़ा डायरेक्ट करेंगे, 3 का गुणा आप x के 9 के साथ में करेंगे ना, तो पहले 9x और × 1, चाहे आप 1 × 9x कर लें, सेम बात वही है। आप 15 × इन दोनों के साथ में करेंगे क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पर लिखोगे 15 ब्रैकेट के बाहर कर ले, अंदर जाएगा 7-6x, ठीक है। अब देखिए, 9x के गुणा जब 1 के साथ में करेंगे तो हो जाएगा 9x और देखिए 15 का गुणा इसके साथ में कर लेंगे, ठीक है। देखिए, 15 × 56 = 15 × 7 = 105 हो गया, ठीक है। और देखिए, अब 15 में 6 का कर लेंगे क्योंकि 15 का गुणा साथ में 7 के साथ कर लिए और 15 × हम 6 के साथ करेंगे, 15 × 56 = 90, ठीक है, 90x हो गया। यदि आपको नहीं बनता है तो 15 में 6 का गुणा कर लें, 15 में आप 6 का गुणा कर सकते हैं, ठीक है, तो कर लेना।
अब इसके बाद देखिए सेम प्रोसेस में भी करना पड़ेगा कि मतलब कि यहाँ पर एक्स वाले को एक साइड कर लेते हैं और जो अचर हैं उसे एक साइड में कर लेते हैं। तो देखिए 90 एक्स इसमें भी है और 9 एक्स इसमें है, तो हम चाहते हैं कि 90 को एक्स एक्स को एक तरफ कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 9 एक्स तो पहले से लिखा है। अब देखिए 90 एक्स इधर माइनस में है, तो 90 एक्स को आप इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, चूंकि चिन्ह बदलता है जब पक्षांतरण करोगे तब। ये हो जाएगा 90 और एक्स, मान लीजिए यहाँ पर 90 एक्स लिखा है, 90 एक्स ठीक है बराबर 105 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए 90 90 और 9 एक्स है, यहाँ पर 90 एक्स 9 एक्स है, तो 90 में से 9 को आप जोड़ोगे तो 99 एक्स हो जाएगा और बराबर हो जाएगा 105। क्लियर हो गया। अब इसके बाद देखिए कि 90 और एक्स के बीच में कोई भी चिन्ह न होने पर ध्यान दीजिए यहाँ पर गुणे का चिन्ह माना जाता है। तो देखिए अब इसे हम गुणे में बदल दें, क्योंकि इधर गुणे मैंने 90 और 99 एक्स के बीच में कोई चिन्ह होने पर गुणे का चिन्ह मानते हैं, तो आप इसे पक्षांतरण करोगे तो इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी बटे का चिन्ह लगा दिए। अब देखिए ऊपर भी विषम संख्या नीचे भी विषम संख्या, तो समझ जाइए सबसे छोटी संख्या 3 से काट देंगे ठीक है, ये हो जाएगा 3 त्रिकाई 9। देखिए 3 त्रिकाई 9 जबकि 10 है, 3 त्रिकाई 9 जबकि 10 है, तो 10 में 9 घटा देंगे तो शेषफल 1 ना बचेगा तो 15 हो गया है ना। अब इसी का पहाड़ा पढ़िए तो 3 5 देखिए 3 5 15 हो गया। अब उसी तरह से नीचे वाले अंकों को भी आप 3 से काटेंगे, क्योंकि अंश को आपने 3 से काटा ना, तो हर को भी आप 3 से काटोगे, तो हो जाएगा 3 त्रिकाई 9, 3 त्रिकाई 9 दो बार है 9 ना ठीक है। अब देखिए 35 अंश में बचा और हर में क्या बचा 3, ये हो जाएगा यक्ष का मान। इस तरह से दूसरा भी आंसर क्लियर हो गया। अब उसी तरह से हम तीसरा नंबर भी हल करेंगे, तो तीसरे प्रश्न को भी हम लिख लेते हैं एक बार ठीक है। देखिए उसी तरह से हम लोग तीसरा नंबर भी करेंगे, तो देखिए यहाँ पर 4 के बटे में 3 है, मतलब एक परिमेय संख्या के रूप में है, तो आपको इसके बटे में आपको 1 तो करना नहीं पड़ेगा ना, इसके बटे में 3 पहले से लिखा है, सीधे आपको क्या करना पड़ेगा 13 गुणा करना पड़ेगा। लेकिन 13 गुणा कब करोगे, जब दो परिमेय संख्याओं के बीच में बराबर का चिन्ह हो ठीक है। तो चलिए 13 गुणा कर लेते हैं, तो 3 का गुणा ये अंश के साथ में करोगे तो ये हो जाएगा, 3 को बाहर कर लीजिए, ये हो जाएगा 7/4 ठीक है। उसी तरह से माइनस, देखिए माइनस 4 का गुणा आप इस 2/2 के साथ में कर लेंगे ठीक है। चलिए अब इसके बाद इस ब्रैकेट को तोड़ते हैं, तो ब्रैकेट ये देखिए कैसे टूटेगा, जब 3 का गुणा 7/2 के साथ में करेंगे फिर 3 का गुणा इस 4 के साथ में करेंगे तो ब्रैकेट टूट जाएगा। तो चलिए गुणा गुणा कर लेते हैं, तो 3 7 21/3 4 12 बराबर। उसी तरह से देखिए माइनस 4 का गुणा 2 के साथ में करेंगे तो हो जाएगा -4/2। अब देखिए यहाँ पर माइनस है, तो चूंकि ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है, तो माइनस गुणे प्लस बराबर क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस का चिन्ह लगा लिए। अब 4 दूनी हो जाएगा 8, इतना तो लगभग आप समझ गए, मतलब ब्रैकेट तोड़ते तो आपको बन ही जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है कि मतलब चर राशि को अलग करना है, चर राशि को अलग करना है। देखिए यहाँ पर 21/2 एक चर राशि है और -4/2 भी एक चर राशि है, तो चर राशि को बराबर से पहले करना पड़ेगा। तो देखिए 21/2 तो पहले से लिखा, हमने पहले लिख लिया। अब 4/2 इधर देखिए माइनस में है, तो आप बराबर की इधर लाएंगे तो +4/2 हो जाएगा, यानी चिन्ह सीधे बदल जाती हैं ठीक है। अब बराबर का आगे देखिए अचर राशि -8 पहले लिखा है, तो पहले आप लिख लेंगे। अब इसके बाद देखिए 12/12 इधर प्लस में है, अब बराबर के इस साइड में आप पक्षांतरण करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 21 और 4 के बीच में धन का चिन्ह है, इसलिए इन दोनों को आपस में आप जोड़ देंगे तो 21 4 21 4 25 और 22 है, तो 22 कर लिए। अब उसी तरह देखिए ये माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस होता है तो जुड़ जाएगा, जोड़ेंगे तो 20 आएगा, लेकिन चिन्ह क्या लगाओगे माइनस का, इस बात को याद रखना पड़ेगा कि माइनस माइनस प्लस होता है। चिन्हों का हालांकि गुणा हमने, गुणा या जोड़ हमने पढ़ा चुका है ठीक है, आप इसके वो वीडियो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। तो देखिए ये माइनस है, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस तो जुड़ गया, जोड़ देते 20 आ गया भाई, 12 में 8 जोड़ेंगे तो 20 आएगा, लेकिन चिन्ह क्या लगाएगा माइनस का ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि 25 और 22 के बीच में कोई भी चिन्ह होने पर गुणे का चिन्ह होता है, तो जब गुणे का चिन्ह है आप इस 25 को पक्षांतरण करोगे, इधर जाएगा तो जैसे 20 है तो 20 पहले लिख लेना है, अब इधर गया तो 25 यानी भाग में हो गया ठीक है। अब इसके बाद इसे काट भी सकते हैं, देखिए इसकी इकाई अंक में 5 है, तो समझ जाइए 5 से ही कटेगा। तो चलिए हम एक संख्या लेते हैं 5, तो 5 से दोनों अंकों को काटना पड़ेगा, लेकिन ध्यान देना कि जिस अंक से आप काटेंगे तो दोनों को काटेंगे,
ठीक है, ये हो जाएगा 5 चौको 20, पूरा पूरा कैंसिल, 5 चौको 20, और ये हो जाएगा 55 25, 5 से कट गया। तो अब देखिए अंश में क्या बच रहा है, यहाँ पास आप देख सकते हैं कि अंश में बचा 4 और हर में क्या बच रहा है 5, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी तरह से हम चौथा नंबर भी करेंगे। चौथा नंबर भी बहुत इजी है, बस आप लोग इस वीडियो को एंड तक देख लोगे तो आपको पूरा पूरा जरूर समझ में आ जाएगा। ठीक है भाई, इसे पूरा समझने के लिए आपको देखना तो पड़ेगा ना। सेम देखिए, इसमें भी यहाँ पर देखिए दो परिमेय संख्या, दोनों परिमेय संख्याओं के बीच में बराबर का चिन्ह है, तो आपको 13 गुणा करना पड़ेगा। इन नौ का 9 को गुणा आप जेड के साथ में कर लेंगे तो हो जाएगा 9 और गुणे जेड बराबर। इसी तरह से 4 का गुणा, देखिए 4 का गुणा आप यहाँ पर जेड प्लस 15 के साथ में गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए ब्रैकेट के इन दोनों, यहाँ पर देखिए दो पद था ना, तो इसीलिए ब्रैकेट के अंदर हम बंद कर लिए। अब देखिए 9 और जेड का आपस में गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 9 जेड बराबर। उसी तरह से 4 का गुणा, 4 का जब गुणा आप जेड के साथ में करेंगे तो ये हो जाएगा 4 जेड प्लस। ठीक है, प्लस का चिन्ह, तो प्लस का चिन्ह लगा लिए। अब 4 का गुणा आप देखिए यहाँ पर 15 के साथ भी करोगे, चूंकि ब्रैकेट लगाए थे, ब्रैकेट इसीलिए लगाया जाता है कि 4 का गुणा आप दोनों अंकों के साथ में करेंगे तभी ब्रैकेट टूट जाएगा। अब 4 का गुणा इसके साथ में कर लेंगे तो 4 5 20 की सुन हासिल कर 2 आएगा। अब 4 1 कम 4 और 4 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6। वैसे 15 चौको 60 भी कर सकते थे। चलिए हमने यहाँ पर देखे गुणा कर लिया, ब्रैकेट टूट चुका है। अब क्या करना है आपको कि चर राशि अलग करना है और अचर राशि अलग करेंगे। तो देखिए ये हो जाएगा 9 जेड, तो पहले से लिखा है तो 9 जेड को हमने लिख लिया। अब 4 4 यहाँ पर जेड जो है एक चर राशि है जो कि प्लस में है, तो आप इसको भी पक्षांतरण कर लेंगे। तो देखिए 4 जेड के पहले कोई भी चिन्ह होने पर प्लस का चिन्ह मानते हैं, तो आप इधर पक्षांतरण करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में, देखिए माइनस का चिन्ह लगा लिया, और बराबर का आगे 60 बच रहे तो 60 लिख लेते हैं। अब देखिए 9 जड़ और 4 जड़ के बीच में घटाने का चिन्ह है, तो आप घटा देंगे, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं कि 9 में 4 घटा देंगे तो 5 जड़ बचा और ये हो जाएगा 60। क्लियर है। अब देखिए 5 और जड़ के बीच में कोई भी चिन्ह होने पर गुणे का चिन्ह मानते हैं, ये 5 को आप पक्षांतरण करेंगे इधर तो ये हो जाएगा भाग में। ठीक है, सॉरी यहाँ पर 5 है तो आप यहाँ पर 5 ही लिख लें, तो यही 60 के बटे में क्या हो जाएगा 5। ठीक है, तो चलिए 60 में बटे का मतलब भाग ही होता है, तो हम 60 में 5 का भाग कर लेते हैं, तो 5 एक कम 5 हो जाएगा, घटाने पर 1 आ गया। अब 0 उतार ले, ठीक है, 5 दूनी 10, यानी कि यहाँ पर देखिए आंसर कितना आ गया 12, तो ये हो जाएगा जेड का मान। इस तरह से उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगा ना तो लाइक ज़रूर कर देना मेरे भाई। थैंक यू।